हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई में स्वागत है। और आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ामिनेशन आज 4 मार्च से शुरू हो चुके हैं और आज पहला दिन था जिसकी 2 शिफ्ट हो चुकी हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ फर्स्ट डे की दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम्स के रिव्यूज़ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों शिफ्ट में जो जो क्वेश्चंस आए हुए थे या वेरियस टॉपिक्स से कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आए हुए थे उन्हें, जो कि हम दोनों शिफ्ट को कंबाइनली डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे कि दोनों शिफ्ट का कट ऑफ क्या बन सकता है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सबको ये पता है कि जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था इसका टाइम ड्यूरेशन 1 आवर था, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 थे। और आज फर्स्ट डे के जो एग्ज़ाम के रिव्यूज़ हमें हमारे स्टूडेंट से मिले हैं उनके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम था उसका लेवल इजी टू मॉडरेट था। ये लेवल कहीं से भी टफ नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट भी इजीली एक डिसेंट स्कोर कर सकता था। आइए गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देख रहे होंगे। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि एनालॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, और वंस अगेन एसएससी ने इस चीज़ को प्रूव किया है। और यहाँ पर आउट ऑफ 25 3 क्वेश्चंस एनालॉजी से थे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका वर्ड बेस्ड था, एक क्वेश्चन अल्फाबेटिकल बेस्ड था और एक क्वेश्चन नंबर बेस्ड था। इसके अलावा 3 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से पूछे गए थे। डिक्शनरी से एक क्वेश्चन आया था। डिक्शनरी से क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आपको थर्ड ऐसा एक वर्ड बताना था जो डिक्शनरी में गिवन 4 ऑप्शन में से थर्ड नंबर पर आएगा, विच मीन्स कि आपके पास 4 ऑप्शन थे, उनमें से उन्हें जब आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली अरेंज करते तो वो वर्ड आपको बताना था जो थर्ड नंबर पर आता। इसके अलावा एक मिसिंग सीरीज पर बेस्ड भी क्वेश्चन था, जिसमें आपको एक सीरीज दी हुई थी और मिसिंग नंबर आपको आइडेंटिफाई करना था। इसके अलावा वर्ड पर 2 क्वेश्चन आए थे, इसमें एक वर्ड दिया हुआ था और उसके लिए 4 ऑप्शन दिए थे। 4 ऑप्शन में जो 4 वर्ड दिए थे आपको बताने थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड नॉट बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड। इसके अलावा मिसिंग नंबर आया था मैट्रिक्स में, इसमें एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ था, इस मैट्रिक्स में से आपको कुछ नंबर तो दिए हुए थे और उन्हीं में से एक मिसिंग नंबर आपको आइडेंटिफाई करना था कोई लॉजिकल लगाकर, जो कि हम ऐसे क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस करके गए होंगे आप सब। एक क्वेश्चन डायरेक्शन पर बेस्ड आया था, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर आया था, और ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन में आया था वो सायलॉगिज्म पर बेस्ड था। तो आप सायलॉगिज्म को ज़रूर रिवाइज करके जाइए, एसएससी ऑफनली नहीं पूछती, फिर भी पूछ सकती है यहाँ पर, जैसे कि आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है बट सेकेंड शिफ्ट में नहीं। वेन डायग्राम पर एक क्वेश्चन आया था, वेन डायग्राम हम सब फैमिलियर हैं। इसके अलावा फिगर कंप्लीशन और एम्बेडेड फिगर पर एक एक क्वेश्चन आया था, जो कि एसएससी हमेशा पूछती है, तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं था। क्यूब एंड डायसिस, ये एक नया क्वेश्चन था जो एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जनरली एसएससी के एग्जाम्स में क्यूब एंड डायसिस पर हम क्वेश्चन नहीं देखते हैं। एक क्वेश्चन मिरर इमेज पर था, जैसा कि एसएससी के हर एग्जाम में आता है, और एक क्वेश्चन मैट्रिक्स पर था। देखिए, ये क्वेश्चन जो मैट्रिक्स पर था, ये वो क्वेश्चन था जिसमें 2 मैट्रिक्स हमें दिए होते थे, उनमें कुछ वर्ड्स के लिए न्यूमेरिक कोड्स दिए होते थे और एक वर्ड हमें आइडेंटिफाई करना होता था इन फॉर्म ऑफ दोज न्यूमेरिक कोड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी हमेशा पूछती है। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन पर क्वेश्चन आए थे, जिसमें साइन को हमें चेंज करना होता था। साइन को चेंज करने का मतलब ये होता था, फॉर एग्जांपल कुछ स्टेटमेंट दिए होते थे कि प्लस मींस माइनस, माइनस मींस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मींस डिवीजन एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना होता था, जो आपके क्वेश्चन में स्ट्रिंग दी होती थी उस स्ट्रिंग में दिए हुए साइंस को इन साइंस से आपको रिप्लेस कर देना होता था और इसे सॉल्व करके सही आंसर को टिक करना होता था। क्वाइट एन ईजी क्वेश्चन टू डू। एंड देन काउंटिंग द फिगर पर एक क्वेश्चन आया था मॉर्निंग शिफ्ट में। काउंटिंग द फिगर्स पर जो क्वेश्चन आया था वो नंबर ऑफ क्यूब्स आपको काउंट करने थे, और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाया। जैसे ये क्वेश्चन अवेलेबल होंगे हमारे पास प्रॉपरली, हम आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू अपलोड करेंगे। एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पर था और एक क्वेश्चन मैथमेटिकल फॉर्मूले पर था, जो कि एज बेस्ड था। यदि हम डिस्कस करें इंग्लिश सेक्शन, तो इंग्लिश सेक्शन दोनों ही शिफ्ट में ऑलमोस्ट सेम था, इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं थे। यदि हम बात करें एरर स्पॉटिंग के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 1 क्वेश्चन और एक्टिव पैसिव वाइज का 1 क्वेश्चन आया हुआ था। बट ये मॉर्निंग शिफ्ट में था कि एक एक क्वेश्चन आया था, इवनिंग शिफ्ट में केवल और केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आया था, एक्टिव पैसिव वाइज से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। पैराजम्बल 2 क्वेश्चन आए हुए थे, पैराजम्बल
सेकंड शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए हुए थे और मॉर्निंग शिफ्ट में तीन क्वेश्चन आए हुए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था, बट सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन दो दो हो चुके थे। ये हमारे स्टूडेंट्स ने हमें ऐसे रिव्यूज़ दिए हुए हैं। यदि हम बात करें स्पेलिंग एरर्स की, तो यहाँ पर दो स्पेलिंग एरर्स पर क्वेश्चन आए हुए थे, दो एंटोनिम थे और दो सिनोनिम के क्वेश्चन थे, और पांच क्वेश्चन जो थे वो क्लोज टेस्ट से आए हुए थे। देखिए, प्री में अब तक एसएससी क्लोज टेस्ट नहीं पूछता था, बट इस बार उसने क्लोज टेस्ट पूछा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी ने क्लोज टेस्ट पूछा था, जबकि सेकंड शिफ्ट में एसएससी ने एक पैसेज दिया था और उस पैसेज को आपको सॉल्व करना था। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि किसी शिफ्ट में वो क्लोज टेस्ट भी पूछ सकता है और किसी शिफ्ट में वो एक पैसेज भी पूछ सकता है। पैसेज से हमें पैनिक नहीं होना है, बिकॉज एसएससी पैसेजेस जनरली छोटे ही देती है प्री एग्जाम्स में। अब हम बात करें जीके सेक्शन की, तो जीके सेक्शन भी दोनों शिफ्ट में लगभग सेम रहा था। इसमें पॉलिटी के दो क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के दो से तीन क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के दो से तीन क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के भी दो क्वेश्चन थे। गाइस, साइंस पर यहाँ पर मुझे डाउट है, साइंस के तीन से चार क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। हो सकता है जो जो स्टूडेंट्स गए थे या जिनसे हमें रिव्यूज़ मिले हैं वो किसी वजह से आइडेंटिफाई ना कर पाए हों। मैं कंफर्म हूँ कि 7 to 8 क्वेश्चन साइंस के ज़रूर रहे होंगे, जिसमें दो से तीन क्वेश्चन फिजिक्स, इतने ही क्वेश्चन बायोलॉजी और इतने ही क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए होंगे। तो ये जैसे ही कंफर्म होता है, नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको ज़रूर आइडेंटिफाई करके दूंगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो 5 से 6 या 7 क्वेश्चन तक आए हुए थे, और इसके अलावा 7 मिसलेनियस क्वेश्चन भी रहे होंगे जो स्टूडेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। सो हमने इनको मिसलेनियस या अदर्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। अब हम बात करें मैथ सेक्शन की, तो वंस अगेन मैथ सेक्शन जैसा हमेशा पूछा जाता था, लगभग वैसा ही पूछा है एसएससी ने। डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें एक पाई चार्ट आपको आया था। ये पाई चार्ट इवनिंग शिफ्ट में आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में एक लाइन ग्राफ आया हुआ था। एक क्वेश्चन एसआई पर बेस्ड था और एक क्वेश्चन ही सीआई पर भी बेस्ड था। यहाँ पर आप प्लीज़ इसे नोट करके रखें। इसके अलावा परसेंटेज, मॉर्निंग शिफ्ट में परसेंटेज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि इवनिंग शिफ्ट में परसेंटेज के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वही ज्योमेट्री में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉर्निंग शिफ्ट में जनरली क्वेश्चन सर्किल और ट्रायंगल पर आए थे, और ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पर क्वेश्चन पूछा गया था। सर्किल में क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। मेंसुरेशन की हम बात करें, तो मेंसुरेशन में दोनों ही शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया था। ट्रिग्नोमेट्री में 1 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, प्योर ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था, और दूसरा क्वेश्चन जो था वो हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया था, और ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया। टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन मेंसुरेशन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं आपसे। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में थे, जबकि 3 क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए थे। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन थे, मॉर्निंग शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट इवनिंग शिफ्ट में अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन थे। तो ये कुछ वेरिएशन हैं जो एसएससी ने की हैं, और ये सही भी हैं, क्योंकि फर्स्ट डे जो स्टूडेंट होते थे उनका पेपर काफ़ी अच्छा नहीं जाता था, बट सेम क्वेश्चन आने की वजह से आगे वाले स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा चला जाता था, और जिससे एक इक्वालिटी नहीं रह जाती थी, बिकॉज एसएससी नॉर्मलाइजेशन प्रेफर नहीं करती है। बट यदि ये सफलिंग होगी क्वेश्चन में, तो इससे एक लेवल और कंपटीशन मेंटेन रहेगा, तो इससे हम में से किसी को भी पैनिक होना नहीं चाहिए। अब हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की जो पूछे गए थे इंग्लिश सेक्शन से। तो इंग्लिश से एंटोनिम और सिनोनिम जो पूछे गए थे वो थे, ब्यूटीफुल का एंटोनिम या सिनोनिम पूछा गया था, सिमिलरली इन्फेक्शन का एंटोनिम या सिनोनिम पूछा गया था। यदि हम बात करें ईडियम और फ्रेजेस की, तो ईडियम और फ्रेजेस वही थे जो पुराने काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, कोई भी नया ईडियम या फ्रेज नहीं पूछा गया था पहले दो शिफ्ट में। इनमें से एक ईडियम और फ्रेज जो हमारे पास आया वो था कॉक्स एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी बनाना जिस पर कि बिलीव ना किया जा सके। स्पेलिंग एरर्स जो थे वो ये दो वर्ड्स थे जिनकी स्पेलिंग आपको चेक करनी थी, वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट, जो भी क्वेश्चंस रहे हों। इसके अलावा हम बात करें कुछ जीके क्वेश्चंस के, तो जीके क्वेश्चन में पॉलिटी से जो क्वेश्चन आया था वो अमेंडमेंट पर बेस्ड आया था, और ये वही क्वेश्चन था जो हमने 50 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो वहीं से आए हैं, दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन उन 50 क्वेश्चन से बाहर नहीं गए। तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ उन 50 क्वेश्चन को रट कर जाएं। इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन था कि जो यूनियन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में डिस्क्राइब करेगा, ये क्वेश्चन भी आपको इन 50 क्वेश्चन में मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें कि जो बिगेस्ट बॉर्डर है चाइना की वो किस कंट्री के साथ शेयर करती है। इसके अलावा ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं ये डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था,
इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला था लास्ट ईयर, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। इसके अलावा अशोका इनक्रिप्शन पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंड हु किल्ड बहादुर शाह जफर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा बैकलाइट, वन ऑफ द क्वेश्चन वॉज ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ बैकलाइट एंड फिजिकल डिफिसिट पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें से टोटल बजट, फ्रिक्शन फोर्स जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन था, सर्कुलर मोशन ये अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन था। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स से ही थे, कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आया था वो i3 प्रोसेसर से आया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी हमें पता नहीं चल पाया। डेफिसिट फाइनेंसिंग हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन पर एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन यूनियन टेरिटरी और डांस पर था। देखिए साइंस की भी हम बात करें तो दो क्वेश्चन फिजिक्स में थे, इसी तरह दो क्वेश्चन केमिस्ट्री और दो क्वेश्चन बायोलॉजी में भी रहेंगे, तो ओवरऑल एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो साइंस से आए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से था, करंट अफेयर में अगेन एक और क्वेश्चन था जो कि नोबेल प्राइज से था, नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन था, टैक्सोनॉमी और ऑन्सोलॉजी। देखिए गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ जियोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, फादर ऑफ साइटोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ के जाएं। सिमिलरली ये कुछ जो ब्रांचेज होती है साइंस की, कुछ कॉमन ब्रांचेज हैं, आप इन्हें जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। वाइटामिन ए से भी एक क्वेश्चन आया था, तो वाइटामिन के केमिकल नेम, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीजेज और इनके प्राइम सोर्सेज, ये क्वेश्चन हैं जो आपको ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए, क्योंकि एसएससी यहाँ से काफ़ी टाइम से क्वेश्चन पूछती आ रही है और पूछती भी रहेगी, जैसे आज भी पूछे हैं। नेशनल पार्क पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक डेट भी आपसे पूछी गई थी, तो आप एक बार ज़रूर इंपॉर्टेंट डेज को गो थ्रू करें, दे विल हेल्प यू अलॉट। अब गाइज ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एक स्टेटमेंट, ये वर्ड आया था, जैसे कि हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि रीजनिंग सेक्शन में एक वर्ड था जिसमें से आपको बताना था कि कौन सा वर्ड बनाया नहीं जा सकता, तो ये वर्ड था और 4 ऑप्शन थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा था जिससे नहीं बनाया जा सकता था, और जो मिसिंग सीरीज थी वो ये क्वेश्चन था। अब देखिए गाइज अब हम मेनली बात करने वाले हैं नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स की, तो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 70 to 75 मार्क्स मोर देन सफिशियंट हैं। यदि आप 70 to 75 की रेंज में आते हैं तो आप के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक पोस्ट सिक्योर ज़रूर करेंगे। इसी प्रकार ओबीसी के स्टूडेंट के लिए 68 to 72 क्वेश्चंस इजीली एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। SC ST के स्टूडेंट्स के लिए 58 to 65, ये रेंज SC ST दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हम रख सकते हैं। तो हम मेनली यदि बात करें तो हमें 70 to 75 के जोन में आना है, यदि हमें सेफली एक पोस्ट स्कोर करना है। एट लास्ट मैं आप सबके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में SSC को लेकर कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। अब देखिए मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि वो प्रोटेस्ट क्या है। ये सही है कि ये सभी एग्ज़ाम को अफेक्ट करेगा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो SSC है या जो SSC स्कैम हुआ है वो बेसिकली CGL मेंस के लिए हुआ है, और जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है, जो न्यूज़ आ रही है वहाँ से, तो वहाँ स्टूडेंट्स ने हमारे होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की थी, और होम मिनिस्टर्स ने या होम मिनिस्ट्री से जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 4 कंडीशंस रखी हुई थी स्टूडेंट ने, उन 4ों कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है मिनिस्ट्री से, और उनके लिए कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो कुछ वीडियोस चैनल पर या कुछ यूट्यूब पर या कुछ न्यूज़ में इस तरह की बातें वायरल हो रही है कि बच्चों को बैकआउट करना चाहिए एग्जाम का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आप ऐसी बातों में ना आए कि ये एग्जाम कैंसिल होगा या हम सब बैकआउट करेंगे, आप बैकआउट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि देश में हर जगह बच्चे इस एग्जाम को बहुत सीरियसली दे रहे हैं, आप भी दीजिए। बट हमारे फ्रेंड जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो ऑल ओवर इंडिया में एक कैंपेन चल रहा है कि सारे बच्चे ब्लैक ड्रेस पहनकर इस एग्जाम को अटेंड कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं, बट प्लीज आप बैकआउट नहीं करेंगे, इस एग्जाम को सीरियसली पैशन के साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ देंगे, बिकॉज एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा और एक फेयर रिक्रूटमेंट वंस अगेन होगा, क्योंकि हमारे फ्रेंड जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा, और SSC बहुत सीरियसली इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इस एग्जाम को बायकॉट ना करें और ना ही लाइटली लें, पूरी ईमानदारी से शिद्दत के साथ इस एग्जाम को दें। थैंक यू, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।